जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप। गत 4 वर्षों से मूक प्राणियों की यथासंभव सेवा कर रहा है और आज इसी सेवा के तहत जंगल में हम पहुंचे देवनिया महादेव मंदिर, नाथ जी का मंदिर, गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर, जहां योगी राज विराजते हैं। जंगल में जंगली जानवरों के बीच में हम गुरु गोरक्षनाथ जी को प्रणाम करें, आदेश करें, अलख पुरुष को आदेश, ओम नमो भगवते गोरक्षनाथाय, ओम नमो भगवते गोरक्षनाथाय, ओम नमो भगवते गोरक्षनाथाय। जिन्होंने संसार को योग सिखाने के लिए, योग मार्ग का ज्ञान कराने के लिए अवतार लिया, उस महान योगाचार्य को, जिन्होंने अनगिनत लोगों को योग सिखाया, योगी बनाया, जीव से शिव को मिलाया, ऐसे महान योगाचार्य शिव स्वरूपी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज सबका कल्याण करें। आज हम सिरोही से निकले, भले ही आसमान से आग बरस रही है, गर्मी तप रही है, लेकिन वन्य जीवों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था लंबे समय से, 4 सालों से जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप कर रहा है। ये कोई प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन ये आनंद की अभिव्यक्ति है। जब मूक प्राणियों के बीच में जाने का अवसर मिलता है तो ऐसा आनंद बहुत स्वाभाविक है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जंगल है, प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाते हैं इन महीनों में, उस दौरान कृत्रिम रूप से वन्य जीवों को पानी पिलाना जरूरी हो जाता है और इस काम में बहुत सारे सामाजिक धार्मिक संगठन काम करते हैं, साधु महात्मा काम करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, आधुनिक तरीके से पानी की व्यवस्था करते हैं, ओडू तालाब नाड़ियों को भरवाते हैं। आज का तो सच में आनंद की अनुभूति हुई जब हम सिरोही से निकले और कई स्थानों पर गए। जब हम सबसे पहले देवनिया महादेव मंदिर गए, वहाँ सैकड़ों वानरों से जब सीधा साक्षात्कार हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वानरों के बीच में, वानर सेना के बीच में आनंद आ रहा है। यहाँ जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप की प्रेरणा से, भामाशाह के सहयोग से ओडू बनवाया हुआ है। और सबसे अच्छी बात, देखिए हम निवेदन कर रहे हैं, ये प्रचार नहीं है, बस ये आनंद की अनुभूति है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं भी उस ग्रुप में हूँ। मैं भी जब कभी इस तरह के अवसर आते हैं तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ ओडू बनवाया था, अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से ओडू बनवाया, यहाँ
पानी नियमित रूप से डाला जाता है। कान्हाराम जी हैं देवासी, जो जिनके पिताजी भी इसी काम में लगे हुए थे, और वो जानते हैं जंगली जीवों को पानी की क्या अहमियत होती है जंगल में, जब चारों तरफ पानी सूख जाता है और मुंह बोले जानवर शहरों की तरफ आते हैं। सुनिए भाई साहब। जल ही जीवन है, सेव वाटर व्हाट्सएप ग्रुप सिरोही का जो बना हुआ है, और पिछले कई वर्षों से इसमें प्रवासी एवं स्थानीय काफ़ी भामाशाह इसमें जुड़े हुए हैं, समाज सेवी जुड़े हुए हैं, और यहाँ जंगल में जब जब भी आवश्यकता होती है, चाहे जंगल हो या सिरोही का तालाब हो या और कहीं जगह, और जब वहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है, विशेष करके पशु पक्षी एवं वन्य जीवों के लिए जी, और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है, और हमें जब हमारे ग्रुप के मेम्बरों को पता लगता है, सदस्यों को पता लगता है, तो हम वहाँ पहुँच कर नियमित रूप से, जैसे हमने ये गत वर्ष इस भामाशाह के सहयोग से इस पानी के होली को बनाया था, और यहाँ पर हमेशा ही हमारे समाज सेवी कान्हाराम जी देवासी जो हैं वो हमेशा इसकी निगरानी रखते हैं, और इसके अलावा भी इस वन क्षेत्र में करीब 3-4 ऐसे पानी के पॉइंट है जहाँ पर नियमित रूप से पानी के टैंकर चलवाए जा रहे हैं जी, जी। और ये सब भामाशाहों के सहयोग से, हम सब के सहयोग से कार्य चल रहा है, और जो भी सहयोग कर रहे हैं उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा, उन्हें भी मैं बहुत बहुत साधुवाद दानदाताओं को देना चाहूँगा कि आपके द्वारा दिया गया दान एकदम सही जगह पर, और जरूरतमंद और पशु पक्षी और जो जहाँ की एक भीषण गर्मी में जो आवश्यकता है, वहीं पर ये कार्य और दान किया जाए। और आज हमारे साथ जीतू भाई पुरोहित जो महादर से है, और हमारे ग्रुप के बहुत ही एक्टिव सदस्य है, कार्यकर्ता है, जो यहाँ से प्रवासी यानी बेंगलोर के पास कोयम्बटूर में बैठे हुए भी इस ग्रुप में जुड़े हुए अनेकों भामाशाहों को प्रेरित करके इस बहुत ही अच्छा कार्य के लिए, पुण्य कार्य के लिए, उन्हें सहयोग के लिए उन्हें तैयार करते हैं, और हमेशा ही वहाँ से सहयोग करते रहते हैं। और आप भी समय समय पर इस ग्रुप को बहुत और सक्रिय कार्यकर्ता है हमारे इस ग्रुप के, जितेंद्र सिंह जी बारड़ साहब हैं, बिल्कुल ये भी इनका भी योगदान रहता है। बिल्कुल जीतू भाई, आप बहुत सोशल मीडिया पे अपनी ऊर्जा को बिखेरते हैं, क्या कहेंगे सर आप ये जंगल में बिल्कुल रूबरू पहुंचे हैं, हमारे कैसा लग रहा है आपको? हैं बढ़िया काम, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत अच्छा। क्योंकि तो भरमार है वापसी, रीछ आदि भी है, रीछ आते हैं वापसी यहाँ जहाँ ओडू है, तो शाम को मतलब हंजरा बनने के बाद ये बड़ा सारा जंगल है, अभी प्राकृतिक जल स्रोत तो सारे सूखे हुए माने हैं। हाँ, अभी इधर जितने भी नदी है, तालाब है, एनीकट है, वो सब सूखे हुए, अंदर पानी नहीं, ना दांतों को तकलीफ ना आंतों को तकलीफ, जिस काम के लिए आप जाने जाते हैं कांति भाई प्रजापत, आपको कैसा लग रहा है सर, क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं रघु भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ, जिस ग्रुप को इन्होंने चालू किया था, ठीक बात, एकदम पूरी लाइन एक्टिव है हमारी, जय हो, और जितने भी भामाशाह आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इनके लिए पहले मैं रघु भाई साहब का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बिल्कुल, और हम नियमित टाइम से कभी कभी टाइम निकाल कर आते रहते हैं, और इसको देख रेख में होता है काम, जैसे कान्हाराम जी ज्यादा हमसे ज्यादा ध्यान रखते हैं जी जी जी, वो भी आते रहते हैं, और इस ग्रुप के लिए सब भामाशाहों का धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। देखिए, कोई भी संगठन शुरू करना मुश्किल नहीं होता, उसको मेंटेन करना सबसे मुश्किल होता है। कान्हा जी, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा आप दो शब्द आपका हर्ष कैसे व्यक्त करेंगे, आपके साथ मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, देखिए आप जो जो काम कर रहे हो ना, ये इसका कोई जवाब इसलिए। सोशल मीडिया का ये व्हाट्सएप ग्रुप जल ही जीवन है अच्छा कार्य कर रहा है, और इस तरह के कार्य जनहित के होते हैं। हम संत की शरण में गए, वहाँ सत्कार हुआ। मैं बात को इस बात के साथ विराम देता हूँ कि मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है,
तो हमको सेवा तो करनी ही चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकार से बढ़कर कोई सुख नहीं है। और परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। नमस्कार, प्रणाम,